औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास सेकंड ईयर। इसके अंदर हम जो है वो रीड आउट करेंगे इंग्लिश ऐसे जो है वो टेक्निकल एजुकेशन। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन टीच आज हमें बताती है हाउ टू अर्न कमाने अपनी रोजी। इट इज़ अ ब्रांच शाख है ऑफ वोकेशनल इंस्टी एजुकेशन, यानी कि वोकेशनल जो है वो पेशा वाराना तलीम की। इट डील्स विद द सम प्रैक्टिकल अहम तलक अमली और जो है वो मशीनी आर्ट फन के बारे में। टेक्निकल एजुकेशन जो है उसमें शामिल है ट्रेन करना जो है तजारत कॉमर्स कारोबार को, इसके अलावा जो है वो कपड़ा बुनने को, ज़राअत मेडिसिन और इंजीनियरिंग, ये यानी कि सारी जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के शुबे हैं। द एम मकसद ऑफ दिस एजुकेशन इज़ टू गिव, देना है इंस्ट्रक्शन तलीम एंड ट्रेनिंग तरबियत इन स्किल हुनर में दैट हैव अ प्रैक्टिकल यूज, जो अमली इस्तेमाल हम करते हैं। टेक्निकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अहम है इन द मॉडर्न एज में। कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान एंड रिच और बहुत से खुशहाल जो है वो मालिक हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रोग्रेस, क्योंकि इनकी जो है वो तरक्की टेक्निकल एजुकेशन की वजह से है। इट प्रोड्यूस पैदा करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर, मकैनिक्स हु आर वेरी यूजफुल, जो मुफीद हैं इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी माशरे के अंदर। इट प्रोड्यूस ये पैदा करती है वर्कर्स वो मेक, जो बनाते हैं गुड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हिस्सा लेते हैं टू द वेलफेयर खुशहाली में मुल्क की। इट प्रमोट्स तरक्की देता है द मटीरियल प्रोस्पैरिटी, मादी खुशहाली को और माशी जो है वो तरक्की को, यानी कौन, टेक्निकल एजुकेशन से। इफ़ वी हैव अवर ओन टेक्निकल एक्सपर्ट, अगर हम रखें अपने माहर जो है वो टेक्निकल लोग, वी कैन से बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन जो है एक्सचेंज दर में मुबादला। टेक्निकल एजुकेशन मेक एक कंट्री मुल्क को बनाती है अमीर, खुशहाल और जो है वो रिसोर्सफुल और बावसायर। इन पाकिस्तान में ओवर स्कूल एंड कॉलेज प्रोड्यूस पैदा करते हैं मैन आदमी हु आर फिट ओनली टू बी क्लर्क, जो सिर्फ मुंशी होते हैं, क्लर्क होते हैं। और यंग मैन, हमारे नौजवान रन आफ्टर ऑफिस के जॉब के पीछे भागते हैं। दे डिसलाइक टू वर्क, वो नापसंद करते हैं काम करना इन फैक्ट्रीज में एंड हेट टू लर्न, नफर करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स अमली फनून में। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इन ओवर कंट्री, हमारे मुल्क में इज़ वाइड स्प्रेड फैली हुई है। गुरबत पाकिस्तान में इज़ ड्यू टू द, वो वजह है नज़रअंदाज करने में ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की। ओवर कंट्री इज़ रिच, अमीर है इन रॉ मटीरियल रिसोर्स के अंदर। वी कैन नॉट रीप द एडवांटेज, हम नहीं जो है वो लेते फ़ायदा ओनली बिकॉज वी आर नॉट इक्वाइप्ड, हमारे पास जो है वो इक्वाइर्ड नहीं विद लेस एनी टेक्निकल जो है वो नॉलेज से, यानी कि हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हम उसे फ़ायदा नहीं ले सकते। वी मस्ट कीप इट इन माइंड, हमें ध्यान में रखना चाहिए दैट प्रोग्रेस तरक्की इज़ पॉसिबल, मुमकिन है थ्रू टेक्निकल जो है वो एजुकेशन से। वी मस्ट इस्टेब्लिश, हमें काम करना कैम रखनी चाहिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को इन ऑल पार्ट, तमाम हिस्सों के ऑफ द कंट्री, मुल्क के। द आइडिया ऑफ डिग्निटी, अजमत का जो ख्याल है वो लेबर शुड बी पॉपुलराइज, उसके हर दिल अजीज बनाना चाहिए अमोंग द पीपल, लोगों के दरमियान। टेक्निकली अमली तौर पर या तकनीकी तौर पर ट्रेन करना चाहिए पर्सनल लोगों को, कैन अर्न कमाने के लिए देयर लिविंग अपनी रोजी हॉनरेबली, यानी कि इज्जत के साथ एंड ग्रेसफुली और पुरवकार तरीके के साथ। टेक्निकल एजुकेशन हैज मदद करती है इन ओवरकमिंग, काबू पाने में द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार लोगों की प्रॉब्लम को एंड जो है उनकी गुर्बत को। इस तरह ये देखें आगे, टेक्निकल एजुकेशन ये आउटस्टैंडिंग के लिए है, ये इन्हीं जो मैंने अभी आपको ऐसे पढ़ाया है उसी में से ही जो है ये ऐसे जो है वो लिया गया है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो कोशिश करनी है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर लीजिएगा, ये है आउटस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और वो वाला जो है, जो बच्चे चाहते हैं कि हम जो है वो इजी तरीके से कर लें, तो उनके लिए ये जो मैंने रीड आउट करवाया है ये आप जो है वो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि बेटा कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखा कीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।